नमस्कार दोस्तों, जैसे कि हमने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि पृथ्वी पर विशाल पेड़ों का बसेरा था जिनकी ऊंचाई 60 किलोमीटर तक पहुंच जाती थी। हमने आपको बताया था कि कैसे उन पेड़ों को काट दिया गया था, शायद किसी एलियन प्रजाति द्वारा। आप में से किसी ने पूछा था कि क्या भारत में एक भी ऐसा पेड़ नहीं है? जवाब है हाँ, मुंबई के अंधेरी में ही एक ऐसा ही मेसा या टेबल टॉप माउंटेन मौजूद है जिसका नाम है गिलबर्ट हिल। इसे भी 66 मिलियन साल पहले लावा से बना हुआ पहाड़ बोला जाता है, लेकिन इसमें भी वही षटकोण वाली रेशा या फाइबर देखा जा सकता है जो अमेरिका के डेविल्स टावर में मौजूद है। तो हो सकता है कि ये भी एक पौराणिक विशाल पेड़ रहा हो। लेकिन आज मैं आपको कुछ और चौंकाने वाली चीज बताने जा रहा हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ कि हिमालय दरअसल एक पर्वत श्रृंखला नहीं बल्कि एक जंगलों का समूह था तो आप क्या समझेंगे? नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त भार्गव और आप देख रहे हैं मिस्टर भार्गव 123 चैनल का अनदेखा सच वीडियो सीरीज। हमें हमेशा से ही बताया जाता रहा है कि टेक्टोनिक प्लेट्स के आसपास में भीड़ जाने से या ज्वालामुखी के फटने से पहाड़ या पर्वत श्रृंखलाएं निर्माण होती है, लेकिन कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले कुछ पर्वत दरअसल पेड़ों का समूह है जिन्हें बेहद शक्तिशाली ब्लास्ट द्वारा नष्ट कर दिया गया था, और उन विशाल पेड़ों का टूटा हुआ निचला हिस्सा आज के जमाने के टूटे हुए पेड़ों के निचले हिस्सा जैसा प्रतीत होता है। जरा गौर से देखिए इस हिमालय पर्वत को इस टूटे हुए पेड़ के साथ साथ, और अब देखिए अंटार्कटिका के इस पर्वत को भी इस टूटे हुए पेड़ के साथ। आपको इन तस्वीरों में हैरान करने वाले समानता देखने को मिलेंगे। गूगल आर्ट की सहायता से ये देखा गया है कि हिमालय के निचले हिस्से में जड़ों का एक सिस्टम बना हुआ है। इसी तरह के जड़ों का निशान उत्तरी कनाडा में भी पाए गए हैं। यही नहीं, इस तरह के निशान यूरोप में मोनेको से ऑस्ट्रिया तक फैले हुए हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे संभव है, लेकिन ये हो भी सकता है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। अगर हिमालय सच में एक जंगलों का समूह रहा होगा तो इन जंगलों का ऊंचाई अकल्पनीय है। ये उस वक्त पृथ्वी का छत रहा होगा और उस छत को भेदकर एलियंस को आसमान से उतरना मुश्किल रहा होगा, इसीलिए उन्होंने शायद उन विशाल पेड़ों को तोड़ने के लिए ब्लास्ट का उपयोग किया होगा जो टूटे हुए पेड़ों का समूह आज पर्वत लगते हैं। और जो पेड़ बचे रहे होंगे शायद उन अकेले खड़े पेड़ों को बड़ी कुशलता के साथ काट देते थे जो आज हम मेसा या टेबल टॉप माउंटेन के रूप में देख सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि एलियंस को आखिर विशाल जंगलों को तोड़ के पृथ्वी पर आना ही क्यों पड़ा था? जवाब हो सकता है कि उनके लिए बहुत ही जरूरी खनिज पदार्थ पृथ्वी पर भरपूर मात्रा में हुआ करता था और उन खनिजों की खुदाई के लिए एलियंस हमारे धरती पर आए थे, जिस खुदाई या माइनिंग का चिन्ह पूरी दुनिया में आज भी मौजूद है। अमेरिका के एरिजोना में स्थित ग्रैंड कैनियन इसका एक उदाहरण है जिसके बीच से कोलोराडो नदी गुजरती है। आधिकारिक रूप से ये बताया जाता है कि ग्रैंड कैनियन के निर्माण कोलोराडो नदी ने किया है, लेकिन अगर आप ध्यान दें तो आपको पता चलेगा कि कोलोराडो नदी में वो शक्ति कभी नहीं थी कि वो ग्रैंड कैनियन जैसी रचना कर सके। ये साफ नजर आता है कि इसे किसी बहुत ही ताकतवर मशीन के सहारे बर्बरता के साथ खोदा गया था, जिसे आप आजकल किए जा रहे माइनिंग के साथ तुलना कर सकते हैं। एक और उदाहरण है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में स्थित वेव रॉक, जो दिखने में लगता है जैसे समुन्द्र की कोई बड़ी लहर हो। इसके बनने को लेकर वैज्ञानिकों में अलग अलग राय है। कुछ का मानना है कि हवा और पानी के कारण ये लाखों सालों में बना है, पर यह संभव कैसे है इसका जवाब किसी के पास नहीं। आखिरकार ये ग्रेनाइट के बने हैं जो एक बहुत ही मजबूत पदार्थ है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो लगेगा कि किसी ने विशाल एक्सकेवेटर के साथ खोदकर कुछ निकाला हो, जैसे आजकल के एक्सकेवेटर्स खोदते हैं। एलियंस के मशीनों की भार का अनुमान आप पेरू के पिस्को वैली में देख सकते हैं। ये ठीक उसी तरह के निशान है जैसा हम आजकल के खनन कार्य में इस्तेमाल किए जाने वाले आधुनिक वाहन से बने पहियों के होते हैं। अब आप सोचेंगे कि आखिर जो चीजें खोदकर निकाली गई थी उनमें से जरूरत की मिनरल्स को तो वो एलियंस ले गए, लेकिन जो बेकार की चीजें थी
जैसे मिट्टी या पत्थर, उनका क्या हुआ? वो कहाँ गए? तो जवाब है कि वो अभी भी पृथ्वी पर ही है, रेगिस्तान के रूप में। हमें बताया जाता है कि रेत प्रकृति द्वारा पत्थरों के टूटने के कारण बनते हैं, जैसे कि समुद्र के तट पर हमें रेत मिलते हैं, ये लहरों के प्रहार से पत्थरों के टूटने पर बनते हैं। लेकिन रेगिस्तान में इन रेतों का निर्माण कैसे होता होगा? इसका केवल एक ही कारण हो सकता है कि इसे वहां लाकर डाला गया होगा। जब एलियंस मिनरल्स को पत्थरों से निकाल लेते थे, उसके बाद बचे हुए बालुओं के कणों को एक ढेर के रूप में डाल देते होंगे, जो बाद में हवा के कारण फैल गई, जिसके कारण रेगिस्तान का निर्माण हो गया। क्या लगता है आपको, क्या ये संभव है या नहीं, या ये सिर्फ एक कहानी सा प्रतीत होता है? आप कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इस चैनल में इस तरह के वीडियोज़ अपलोड करते रहते हैं, जैसे कि अभी स्क्रीन पर कुछ वीडियोज़ दिख रहे हैं। कृपया इनको देखें या फिर हमारे चैनल में जाएं, जहाँ पर 100 से भी ज़्यादा वीडियोज़ अपलोडेड है। धन्यवाद।